दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज मैं प्रस्तुत करता हूं आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक रोमांचक स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाएगी। क्या आपने कभी किसी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसमें सोना बहता है? आज हम आपको एक ऐसी ही नदी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें सोने के छोटे छोटे टुकड़े बहते रहते हैं। वहां के आदिवासी इन टुकड़ों को जमा करके सस्ते दामों में व्यापारियों को बेच देते हैं। दरअसल ये नदी झारखंड के रतनगर्भा नाम के इलाके से होकर बहती है। इस नदी की रेत से सदियों से सोना निकल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नदी चट्टानों से होकर गुजरती है और उन चट्टानों में बहुत भारी मात्रा में सोना मौजूद है। लेकिन अभी तक इस रहस्य का कोई ठीक से पता नहीं लगा पाया। इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। लेकिन इस रहस्यमयी नदी के बारे में जानने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है।
ये कहानी है अमित के बारे में, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक वैज्ञानिक था। वो बहुत ही खोजी किस्म का इंसान था और हमेशा खुश रहता था। अपने काम से उसे इतना प्यार था कि खाना पीना सब छोड़कर बस अपनी खोज में लगा रहता था। वो देर रात तक काम करता और फिर सो जाया करता था। एक दिन सुबह उठने के बाद वो हमेशा की तरह अपने पड़ोस की उस चाय की दुकान पर गया। अमित बोला, अरे भैया जरा मेरी वाली चाय तो बना दो। चाय वाले का नाम घनश्याम था। घनश्याम बोला, अच्छा भैया अभी लगाता हूं, वही ना आपकी स्पेशल चाय, डबल शक्कर और मलाई मार के। अमित बोला, हां भैया वही वाली। घनश्याम ने पूरी तबीयत से चाय बनाई और बड़े प्यार से अमित को परोस दी। चाय के साथ कुछ बिस्किट भी दिए, जो एक अखबार के टुकड़े पर रखे हुए थे। जैसे ही अमित ने बिस्किट खाने के लिए अखबार हाथ में लिया, उसे एक हैरान कर देने वाली खबर दिखाई दी, जिसमें लिखा था कि झारखंड में एक ऐसी नदी है जो सदियों से सोना उगल रही है। छोटा सा आर्टिकल था, ज्यादा डिटेल्स नहीं थी। अमित मन ही मन उस नदी के बारे में सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कोई नदी सोना उगलती हो। लेकिन पृथ्वी पर न जाने ऐसे कितने ही हैरान कर देने वाले कारनामे होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। इसलिए अमित ने सोचा, अगर सच्चाई का पता लगाना है तो चलो जाकर ही देखा जाए। अपनी टीम को बताने से पहले अमित ने खुद खोजबीन करने का सोचा, इसलिए वो अकेला ही निकल गया। झारखंड की उस नदी को अपनी आंखों से देखने के लिए ट्रेन में बैठे बैठे भी अमित नदी के बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। उसने इंटरनेट पर नदी के बारे में ढेरों आर्टिकल्स पढ़ डाले, लेकिन कहीं भी उसे इस बात का पता नहीं चला कि आखिर नदी में सोना कहां से आता है। खैर, इस बात का पता तो वहां पहुंचने के बाद ही चल सकता था। अमित बहुत ही शांत और बुद्धिमान लड़का था। हर काम वो सोच समझ कर ही करता था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। कई घंटों के सफर के बाद वो झारखंड के उस रतनगर्भा नाम की जगह पर पहुंचा, जहां पर ये नदी बहती है।
नदी किनारे आदिवासियों का एक गांव था जो इस नदी से सोने के कण निकाल निकाल कर व्यापारियों को बेचा करते थे और इसी से उनका रोजगार चलता था। सोने के दाम की ज्यादा समझ ना होने के कारण वे मात्र 50 या फिर 100 रुपए में सोने के ये कण व्यापारियों को बेच दिया करते थे। आदिवासियों के उस गांव में पहुंचकर अमित एक दुकान पर जाकर बैठ गया। दुकान वाले से उसने पूछा कि भैया, क्या यही वो जगह है जहां पर सोना उगलने वाली नदी बहती है? दुकानदार ने बताया, हां भैया, यही है वो जगह जिसकी मिट्टी में सोना निकलता है। दुकानदार ने अमित को एक बहुत स्वादिष्ट चाय बनाकर पिलाई। चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा था। पहला घूंट भरते ही गांव के शुद्ध दूध का स्वाद पता चल रहा था। अमित को तो शहरों की मिलावटी चाय पीने की आदत थी, इसलिए उसके लिए ये एक अनूठा अनुभव था। अमित ने दुकानदार से पूछा, भैया, मुझे इस नदी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं बहुत दूर से इस नदी के बारे में जानकारी जुटाने आया हूं। दुकानदार बोला कि भैया, अगर आपको सच में बहुत सारी जानकारी चाहिए तो केवल एक ही आदमी है जो आपको इस नदी के बारे में सब कुछ बता सकता है। आप हमारे मुखिया से मिल लीजिए और वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। दुकानदार ने अमित को मुखिया के घर का पता बताया और अमित मुखिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आदिवासियों का यह कबीला बहुत पुराना जान पड़ता था, जैसे यहां के लोग सदियों से इसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हों। कच्चे मकान और कच्चे रास्ते, ये सब देखकर अमित को अपने गांव की याद आ रही थी। किस तरह बचपन में वो अपने भाई बहनों के साथ गांव के कच्चे रास्तों पर गिल्ली डंडा खेला करता था। सचमुच कितने हसीन दिन थे। एक एक पल मानो एक एक साल जैसा गुजरता था। और आज भागदौड़ में एक साल भी एक पल जैसा गुजर जाता है। वो गांव अमित को अपने गांव की याद दिला रहा था। किस तरह वो अपने बचपन में पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ा करता था और जब माली डंडा लेकर उन सब बच्चों के पीछे भागा करता था कितना मजा आता था। माली काका को सताना रोज का काम था। सारे बच्चे आगे आगे भागते रहते और माली काका पीछे पीछे। दशहरी आम का स्वाद आज भी अमित की जबान पर था। अमित सोचने लगा, ऐसे ही कच्चे रास्तों पर हम छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, गिल्ली डंडा और क्रिकेट जैसे
कितने ही खेल खेला करते थे। ना कोई चिंता, ना कोई काम, बस दिन भर मस्ती करना और खेलते रहना। बचपन के बारे में सोचते सोचते मुखिया का घर भी आ गया। अमित ने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, क्या मुखिया जी का घर यही है? इतना सुनते ही एक औरत बाहर निकल कर आई और अमित को बड़े आश्चर्य से देखने लगी। उसे लगा, लगता है कोई विलायत से आया है। अमित को लगा, जरूर ये मुखिया जी की पत्नी होंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर तरीके से साड़ी पहनी हुई थी, जैसे आदिवासी सभ्यता की औरतें पहना करती हैं। अमित बोला, जी मैं मुखिया जी से मिलने आया हूं, मुझे उनसे कुछ काम है। पत्नी ने आवाज लगाई, अजी सुनते हो, कोई शहर से आया है आपसे मिलने, कहता है कुछ काम है। अंदर से आवाज आई, मैं जानता हूं, अंदर भेज दो। अंदर जाकर अमित ने देखा, मुखिया जी कुर्सी पर बैठे हुए थे और हाथ का इशारा करते हुए अमित को भी कुर्सी पर बैठने के लिए कह रहे थे। एक तरह से अमित का स्वागत कर रहे थे। अमित कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मुखिया जी आपको कैसे पता कि मैं आया हूं? मुखिया जी हंसे और बोले, अरे बेटा, मेरे गांव में अगर कोई चिड़िया भी कदम रखती है तो उसकी खबर मुझे उससे पहले लग जाती है, तो फिर तुम तो इतने बड़े इंसान हो। दरअसल तुम्हारे आने से पहले ही दुकानदार ने खबर पहुंचा दी थी कि शहर से कोई लड़का आया है जिसने बड़ा सा कैमरा लटकाया हुआ है और लंबे लंबे बाल हैं, वो आपसे मिलना चाहता है। अमित ने बिना कोई समय गंवाए नदी के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए। मुखिया जी ने बताया, बेटा ये नदी सदियों से इस इलाके में बह रही है और सोने के छोटे छोटे कण इसमें निकलते हैं। यहां सोना किसी खदान से नहीं बल्कि इस नदी से छोटे छोटे कणों के रूप में ही निकलता है और बहुत सारे लोग इन कणों को चुन चुन कर करोड़पति भी बन चुके हैं। तुम तो जानते ही हो, एक वो समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे मंदिरों में कई टन मात्रा में सोना और हीरे जवाहरात रखे रहते थे। लेकिन अंग्रेज उस सारे खजाने को लूट लूट कर अपने साथ ले गए। वो सोना हमारे देश की खदानों और नदियों में ही निकला था और आज भी ये नदी लोगों को सोना दे रही है। इस इलाके को रतन गर्भा के नाम से जानते हैं। मुखिया जी अमित को नदी की तरफ ले जा रहे थे और रास्ते में सब जानकारी देते जा रहे थे। मुखिया जी बोले, बेटा ये नदी सालों से
रेत के कणों के साथ साथ सोने के कण भी अपने साथ बहती चली आ रही है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। ये नदी मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहती है। बहुत से खोजकर्ता ने इसके बारे में खोज की है, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि नदी में सोने के कण आखिर आते कहां से हैं। बहुत सारे भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये नदी ऐसी चट्टानों से होकर गुजरती है जहां अंदर ही अंदर बहुत सारी मात्रा में सोना मौजूद है, लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं पता। ये सोने के कण घर्षण की वजह से पानी में मिल जाते हैं। जब पानी बहुत तेज प्रवाह के साथ इन चट्टानों से होकर गुजरता है, तब घर्षण के कारण उन चट्टानों से सोने के कुछ कण बाहर ले आता है। ये कण पानी और मिट्टी में मिल जाते हैं। कुछ लोग इसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग और भी कई नामों से पुकारते हैं। ये नदी रानी चुआ नाम की एक जगह से निकलती है जो राज्य से 16 किलोमीटर दूर नंगड़ी गांव में स्थित है। रास्ते में ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। जिस जगह ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसे बालेश्वर कहते हैं। वैसे कहते हैं कि करकरी नदी से रेत के कुछ कण आकर इस नदी में भी मिल जाते हैं। करकरी नदी को स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी भी कहा जाता है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि स्वर्ण नदी में सोने के कण करकरी नदी से ही आते हैं। यहां झारखंड में तमाड़ और सारंडा जैसी जगह के आसपास कुछ आदिवासी गांव बसे हुए हैं। इन सभी गांव में बसे हुए लोग इस नदी में काम करते हैं और सुबह से शाम तक रेत के कणों में से सोने के कण चुनकर बाजार में बेचा करते हैं। इतने में देखते ही देखते वो लोग नदी तक पहुंच गए। अमित वो दृश्य देखकर हैरान रह गया कि हजारों की मात्रा में लोग बड़े बड़े छलनी और बर्तन लेकर रेत में से सोने के कण छान रहे थे। मुखिया जी ने बताया कि इन लोगों की कई पीढ़ियां सदियों से ये काम करती चली आ रही है। ये इनका खानदानी काम है। ये सिलसिला कब से चल रहा है इसका भी किसी को कुछ ठीक से पता नहीं। इन गांव के पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सभी लोग
सारा दिन पानी में रहकर इन सोने के कणों को निकालते हैं। वैसे तो सोना निकालने का ये काम सारा साल चलता है, पर बरसात के 2-3 महीने ये काम बंद रहता है। अमित को बड़ी जिज्ञासा हुई और उसने मुखिया जी से पूछा कि क्या इतनी मेहनत करने के बाद इन लोगों का गुजारा हो पाता है। मुखिया जी ने बताया कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद एक आदमी को ज्यादा से ज्यादा 1 या फिर 2 सोने के कण ही मिल पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे महीने में एक आदमी को 40 से लेकर 50 सोने के कण मिल पाते हैं। ये लोग सोने को नदी से बहुत मेहनत करके निकालते हैं, लेकिन फिर भी इनको इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती। इसी कारण से ये लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। आजकल के युग में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर आज ये लोग पढ़े लिखे होते तो इन्हें सोने की सही कीमत का अंदाजा होता। दूसरी तरफ जो लोग भी इन लोगों से सोना खरीदते हैं, वो व्यापारी बहुत जल्द अमीर बन जाते हैं। वो लोग इन लोगों से सोने के कण बहुत सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। एक कण की कीमत केवल 50 रुपए से 70 रुपए ही लगाते हैं और बाजार में उसे 500 रुपए से 700 रुपए के बीच बेच देते हैं। इसी वजह से बहुत सारे व्यापारी यहां पर करोड़पति बन गए हैं। केवल पानी में ही नहीं, इस नदी के आसपास की मिट्टी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। यहां के आदिवासी लोगों ने बहुत सारे तरीके इजाद कर लिए हैं जिससे वो सोना निकाल लेते हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। जैसे कि वो इन चट्टानों के आसपास की मिट्टी को अपने घर ले जाते हैं और वहां पर इसे पानी से धो लेते हैं और फिर इसे कपड़े से छानकर एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा सोना मिट्टी से निकाल लेते हैं। इतने में ही एक आदमी भागा भागा आया और मुखिया जी को सोने का टुकड़ा दिखाया। वो बोला, मुखिया जी देखिए, मुझे आज ये सोने का टुकड़ा मिला है। अमित ने वो टुकड़ा अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगा। वो टुकड़ा किसी चावल के दाने के बराबर था और चमकदार सोने की कांति से भरा हुआ था। सोने का कण देखकर अमित को इस नदी की सच्चाई पर भरोसा हो गया। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ, जैसे उसके यहां तक की यात्रा सफल हो गई हो। उसने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी
मैं ये टुकड़ा खरीदना चाहता हूं और मैं इसके 500 रुपए इस व्यक्ति को दूंगा ताकि आज इसे और मेहनत ना करनी पड़े। मुखिया जी ने अमित की प्रशंसा की और सर हिलाते हुए हामी भर दी। वो आदमी 500 रुपए पाकर किसी बच्चे की तरह खिलखिला रहा था। अमित ने देखा कि कितना निश्चल मन यहां के लोगों का है और कितना सीधापन है यहां के लोगों में। अब अमित वो टुकड़ा लेकर अपने शहर वापस लौट रहा था, साथ में उस सुंदर नदी की यादें लिए और उस व्यक्ति की निश्चल हंसी और खुशी जिसका वो कायल हो चुका था। आपने ये कहानी सुनी, कहानी एक नदी सोने की। आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। आप महसूस कर रहे हैं कि नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।